वेरी फाइन, आप सभी अच्छे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम जेपी सर की क्लास में इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हैं, और इसमें हमने आप लोगों को जो बताया था वो बताया था साउंड्स ऑफ वाउल्स। इसमें हमने एक ही साउंड को लिया था, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी एक अल्फाबेट, इंग्लिश का जो एक अल्फाबेट क्या है हमारा ए, ये हमारा वाउल है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी में जो आज जानेंगे वो क्या जानेंगे, फिर वही आओ कुछ नया करें। नया कैसे करें, ए जब हमारा बिगिनिंग में आता है तो इसकी साउंड हमारी आ होती है, और अगर यही ए हमारा एल के साथ आता है तो इसकी साउंड ओ होती है। ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई, ये हमारा रिवीजन पूरा हुआ। आगे जो हम सीखेंगे, ए के साथ में अगर हमारा आर आ जाता है तो इसकी साउंड चेंज हो जाती है, इसकी साउंड हमारी आ हो जाती है। मैंने पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि जब हम सी ए टी को कैट बोलते हैं और सी ए आर को कार बोलते हैं, उसका आंसर आप लोगों को मिल चुका है। ए के बाद आर आने पर इसको क्या बोला जाता है, आ, क्या बोला जाता है, आ, राइट यू आर। तो आइए इससे कुछ वर्ड बनाते हैं। जैसे हमने लिया, सबसे पहले ये ले लेते हैं, ए के बाद आर आया है, इसको क्या पढ़ेंगे, कार। फॉर एग्जाम्पल हमने एफ के बाद में ए लिया, इसको क्या पढ़ेंगे, फार। हमने बी के बाद में ए लिया, इसको क्या पढ़ेंगे, बार। हमने लिखा एस टी ए आर, इसको क्या पढ़ेंगे, स्टार। तो माय डियर व्यूअर्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था कि सी ए आर को कार क्यों पढ़ते हैं और सी ए टी को कैट क्यों पढ़ते हैं। आपको कुछ समझ आना शुरू हुआ होगा, माना कि थोड़ा समय लगता है लेकिन फिर भी हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को सीखते हैं तो वह हमें समझ आना शुरू हो जाता है। इसी चीज में आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो ए के बारे में आपको जो मिलेगा, यदि ए हमारा आता है टी के साथ तो इसको क्या बोलते हैं, ए, क्या बोलते हैं, ए। तो लीजिए कुछ वर्ड बनाते हैं। हमने लिया सी ए टी कैट, बी ए टी बैट, एम ए टी मैट, आर ए टी रैट, एफ ए टी फैट, एन ए टी नेट, एच ए टी हैट। ये सब चीजें सीखने के बाद आपको यह पता चला होगा हम जो ए का इस्तेमाल करते हैं ये क्या है हमारा, वाउल। सबसे पहले हमें समझना है ये है क्या हमारा वाउल। सेकेंड थिंग इज टू अंडरस्टैंड हमने इनके साथ में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट को चेंज किया है। कॉन्सोनेंट को चेंज करने पे ए के साथ आर आने पे इसे क्या बोला, आ। ए के साथ टी आने पे इसको क्या बोला, ए। तो डियर व्यूअर्स कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज फॉर लर्निंग एंड एंजॉइंग योर सेल्फ। आप लोग एंजॉय कीजिए, अच्छी तरह से समझिए, पूरा पूरा आनंद लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।